हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो हियर आई एम विद एन अनदर अमेजिंग वीडियो। सो कैप्शन से एज यूजुअल आप लोगों को पता लग ही जाता है कि ये वीडियो किसके ऊपर है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई शॉप इन थाईलैंड एंड फुकेट। गए थे हम लोग थाईलैंड में, फुकेट एंड बैंकॉक, एंड वहीं से मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ली हैं, कुछ काफ़ी कॉस्टली चीज़ें भी ली हैं दैट आई विल बी शोइंग यू इन दिस वीडियो। एंड ऑल्सो मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं कोई भी फर्नीचर या कोई भी आइटम्स का, मीशो आइटम्स का कोई भी लिंक डालती हूँ तो आप लोग को मिलता नहीं है ऑन YouTube, और YouTube में लिंक्स क्लिकेबल होते नहीं हैं। तो प्लीज़ गो टू माई Instagram अकाउंट, फॉलो मत करना, नहीं करना, इट्स योर चॉइस। वहाँ पे जाके मेरे जो सेम रील होती है, लाइक शॉर्ट्स में अगर आपको नहीं मिल रहे लिंक्स तो आप मेरे उसी सेम रील पे चले जाओ Instagram पे। वहाँ पे आप बस लिंक टाइप करके कॉमेंट कर दो, आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो प्लीज़ ये चीज़ कर लेना, क्योंकि अवेलेबल होते नहीं हैं YouTube पे। सो यस, हम लोग की ट्रिप बहुत ही अमेजिंग रही थाईलैंड की, एंड मज़ा आ गया फैमिली के साथ घूम के, पेरेंट्स के साथ। पूरा नॉस्टैल्जिया हो गया, क्योंकि शादी से पहले हम लोग घूमते थे काफ़ी, लेकिन अब आफ्टर 2.5 साल हम लोग को टाइम मिला फैमिली के साथ घूमने का, काफ़ी मज़ा आया। फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, काफ़ी सारी शॉपिंग की है। मैं अभी सिर्फ अपना दिखा रही हूँ, मॉम डैड ने अलग की है, भाई ने अलग की है, तो वो लोग तो अपने साथ ले गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, वेट करवाऊँगी नहीं मैं आप लोग को। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो मेरा अब तक का बेस्ट बाय जो है थाईलैंड से, वो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। फर्स्ट नंबर पे है, मेरा फेवरेट है ये दिशांग का था, कि तुम जा रही हो तो ज़रूर लेके आना, क्योंकि ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है एंड इट इज़ रियली पॉकेट फ्रेंडली गाइज। एंड दिस इज़ the DJI Neo drone। मतलब ड्रोन मेरा बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि दिशांग बोल देगा कि जाके ले आओ। मैं DJI के स्टोर में गई, मुझे थोड़ा सा चिप लेना था अपने जो पॉकेट 3 है मेरे पास, उसका मुझे चिप लेना था, तो वो लेने मैं गई थी वहाँ पे। बहुत ही कैजुअली बाई है ये, तो मैंने दिशांग को वीडियो कॉल किया हुआ था कि कौन सा चिप लेना है प्लीज़ मुझे बताना। तो उसने बोला कि मुझे एक बार यहाँ का ना ड्रोन दिखाओ कि कौन कौन से अवेलेबल है। तो मैंने दिखाया तो उसने बोला कि ये वाला ले लो। मैंने बोला ऐसे थोड़ी है, कोई मिठाई थोड़ी है कि एकदम से ऐसे ले लो। तो दिशांग ने बोला कि इसका जो प्राइस है इतना है, मैं नीचे लगा दूंगी कितने में मुझे मिला, और अगर आपको इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ बताना। बहुत ही मतलब सुपर बाय है, और मैं कोई इतना बड़ा, मुझे किसी शादी में वीडियोग्राफी तो नहीं करनी है, बस एक एरिया का, जैसे हम लोग लाइक फिफी आइलैंड गए, मुझे उसके ऊपर से पूरा थोड़ा सा एरिया लेना है, तो मैं वो ले सकती हूँ। फॉर दैट दिस इज़ परफेक्ट, लेट मी शो यू। ये अभी तक मुझे चलाना आया नहीं है, ये दिशाओं को ही चलाना आता है, ये मैं दिवाली में सीखूँगी उससे। एंड दिस इज़ द ड्रोन। मैं इसको ऑन नहीं करूँगी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है इसको चलाना, और मुझे डर ही लगता है इसको चलाने में कि गिर गया टूट गया तो फिर खलास। तो यस, एक ये लेके आई थी, बहुत ही सुंदर है, DJI का है। DJI इज़ द बेस्ट ब्रांड इन कैमरा, लाइक GoPro हो गए, और इनके जो ड्रोन्स आते हैं वो बहुत ही प्यारे प्यारे हैं। तो एक ये था, और ये मुझे मैं नीचे थाई भात में भी लिख दूंगी, आई थिंक 6600 थाई भात का था ये, और इसमें मुझे वैट रिफंड भी हो गया। आप जब भी कुछ भी लेते हो ना बाहर से दैट इज़ कॉस्टली, तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स अगर आप लेते हो तो बाहर काफ़ी सस्ता मिलता है, स्पेशली इन वियतनाम एंड थाईलैंड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आप लेके आ रहे हो तो उनसे एक इनवॉइस आता है येलो कलर का पेज में, नॉट बिल, वो अलग होता है जो वाइट पेपर में वो देते हैं। उनसे स्पेशली मांगना पड़ता है कि हमें एयरपोर्ट में वेट रिफंड चाहिए, तो आप प्लीज़ एक येलो कलर का पेपर आता है उसमें आप इनवॉइस करके दे दो, तो वो दे देते हैं। तो इसमें मुझे 5% वेट रिफंड भी हो गया था, दैट इज़ रियली गुड। एंड मैंने जाके प्रोसेस करवाया थाईलैंड एयरपोर्ट में, बैंकॉक एयरपोर्ट में, तो मुझे 330 थाई बात मुझे आई थिंक मिल गए थे वापस इसके। सो यस, फर्स्ट वन वॉज माई ग्रेट बाय, दैट इज़ अ ड्रोन। ओके, थाईलैंड एक ऐसी जगह है ना कि जहाँ वहाँ पे एक एक चीज़ इतनी क्यूट है, लाइक नॉट ओनली गर्ल्स बट बॉयज़ भी, वहाँ पे जो मेल हैं वो भी बहुत ही क्यूट क्यूट थिंग्स यूज़ करते हैं, लाइक अगर उन्होंने क्रॉक्स पहने हैं तो उसमें जो लगाते हैं, मुझे उनका नाम नहीं पता, स्टिकर्स टाइप लगाते हैं, फ्लावर्स के लगाते हैं, एंड दे यूज़ दैट फ़ोन का नीचे जो बोज होते हैं वो बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें वो यूज़ करते हैं। तो और क्रॉक्स तो वहाँ पे फेमस है ही, तो मैंने नॉट फ्रॉम क्रॉक्स बट क्रॉक्स के जैसे बहुत ज़्यादा मिल रहे थे वहाँ पे, तो मैंने एक लिया है जिसमें ये ऐसे
कुछ कुछ लगे हुए हैं. आई जस्ट लव दीज एंड दिस इज मेड इन थाईलैंड. पीछे भी लिखा हुआ है मेड इन थाईलैंड. ये मुझे मिला था आई थिंक 150 थाई भात का. नीचे मैं लिख दूंगी, मुझे थाई भात याद है क्योंकि वहाँ पे हम लोग थाई भात में ही कर रहे थे और रुपीज़ में मैं नीचे कन्वर्ट करके भी लिख रही हूँ साथ में. सो फर्स्ट वन इज दिस, बहुत ही सुंदर है. इसको आप किसी के साथ भी पहनो, वहाँ पे तो ये फेमस है ही और यहाँ पे भी मैं कर दूंगी. सो यस, माई फर्स्ट वन इज़ दिस. पहले मैं अपने जूते दिखा देती हूँ जो मैं लेके आई हूँ. सेकेंड जो मैं लेके आई हूँ, ये मैं प्लैटिनम मॉल से लेके आई थी. सारा सामान मैंने साइड में रखा हुआ है बहुत ही गंदे से. लेट मी शो यू. वहाँ पे ना इस तरीके के स्लीपर्स बहुत पहनते हैं. हमारे यहाँ जैसे सिंपल वाले चलते हैं, इनके यहाँ पे ऐसे चलते हैं. तो एक मैं ये लेके आई थी, बहुत ही कॉम्फी है ये. ये मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा था. मैंने ये 450 थाई भात का लिया था, 500 थाई भात का मैंने ये लिया था फ्रॉम प्लैटिनम मॉल, जो कि काफ़ी फेमस है. अगर आप जाते हो तो सब लोग यही सजेस्ट करते हैं कि प्लैटिनम मॉल जाना, तो वैसे ही हम लोग भी गए थे. दिस इज़ माय सेकंड टाइम इन थाईलैंड, तो प्लैटिनम भी मैं सेकंड टाइम ही गई थी, तो वहाँ से मैंने ये वाला उठाया है. ओके, मैं जब जा रही थी यहाँ से तो दिशांक यहीं पर थे, वो नहीं गए थे. तो दिशांक ने स्पेशली मुझे बोला था कि तुम जाओगी तो पर्स मत लेके आना एक भी. और मेरे पास पर्सों का भंडार है, मतलब मुझे इतने ज़्यादा पसंद है ना पर्सेस. सो आई डिड बॉट दिस ब्यूटिफुल बैग. ये मैं नहीं ले रही थी, मम्मी ने बोला ले ले क्योंकि बहुत ही प्यारा लग रहा है. और ये कलर मेरे पास है गुची का है, जो दिशांक ने मुझे मेरे लास्ट टू लास्ट बर्थडे में दिया था. वो थोड़ा सा अलग ग्रीन है, तो मैंने सोचा याला ले लेती हूँ. बहुत ही प्यारा है, अभी तक मैंने इसका ये भी नहीं खोला है. ये मैं यूज़ करूँगी शादियों में. अभी काफ़ी शादियाँ आने वाली हैं तो उसमें मैं यूज़ करूँगी. और इसमें अलग से स्लिंग भी दिया है. ओके, ये मैंने लिया था फुकेट मार्केट से, जो ओल्ड टाउन मार्केट है वहाँ से लिया था. एक चीज़ मैं कहूँगी, अगर आप लोग जा रहे हो थाईलैंड किसी भी शॉपिंग एरिया में, तो डू बारगेनिंग. बहुत अच्छे से बारगेनिंग कर देते हैं. उन्होंने मुझे ये 800 थाई भात का बताया था और गाइस मैं इसको 450 थाई भात में लेके आई हूँ. एंड आई लव माई बारगेनिंग स्किल्स, आई जस्ट लव इट. मेरी और मम्मी की दोनों की बहुत अच्छी है. तो एक ये लिया है मैंने, बहुत ही क्यूट सा पर्स. ओके, सो इंडिया में ठंड का सीज़न आने वाला है, तो वहाँ से मैंने कुछ भी गर्मियों का नहीं उठाया क्योंकि कपड़े वैसे ही कम है नहीं मेरे पास, बहुत सारे कपड़े हैं. तो मैंने सोचा क्यों ना ठंड का ही उठा लिया जाए. ठंड के ऑप्शन थोड़े कम थे तो मैंने दो तीन चीज़ें ली हैं. वहाँ पे ना बोज, लाइक दीज बोज रिबन टाइप, बहुत ज़्यादा फेमस है. लाइक कोरियन सीरीज़ में भी मैं देख रही हूँ बहुत फेमस है, थाईलैंड में तो है ही. तो मैंने ये वाला स्वेटर लिया है जिसमें ऐसे बोज से बने हुए हैं, काफ़ी क्यूट सा है. और इसके ना गोल्डन बटन्स हैं. इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है. ये मुझे 200 थाई भात में मिल गया था फ्रॉम प्लैटिनम मॉल. और ये फुल स्लीव्स है, बहुत ही क्यूट सा स्वेटर है. और थोड़ा सा लूज ही लिया है मैंने ताकि अंदर स्पैगेटी डाल के ऊपर से डाल लो, बहुत ही स्मार्ट सा लगेगा ये. तो ये लिया है मैंने एक. एंड नेक्स्ट इज़, मैं बहुत सारे इस टाइप के पिंटरेस्टी वो देख रही थी. मैंने ऐसे रिक्रिएट करने का भी कोशिश किया था लाइक दिस, बट वो इतना अच्छा लग नहीं रहा था, ठीक ही लग रहा था. तो वैसे ही मैंने एक स्वेटर लिया है, लेट मी शो यू. ओके, ये मैंने अभी पहन के देखा था तो ये उल्टा है, मुझे एक बार सीधा करने दो. ओके, सो दिस स्वेटर, बहुत ही सिंपल सा स्वेटर लग रहा है, राइट? हुडी टाइप, येलो कलर का लिया है, बहुत सारे कलर्स थे उसमें. और ऊपर से ना ये इन्होंने दिया है स्वेटर के लिए, लाइक आप इसको पीछे लगाओ और ऐसे करके बांध दो, दैट्स इट. पीछे इट इज़ लाइक दिस. मैं इसको पहन के भी दिखा दूँगी अलग से, यहाँ पे मैं लगा दूँगी एक वीडियो. एंड बहुत ही स्मार्ट, लाइक पीछे हम लोग ओरिजिनल स्वेटर डालते हैं बट इन्होंने सिर्फ एक ऐसा दिया है बिब टाइप, बट इसको पीछे लगा के आप इसको बांध दो, बहुत ही बढ़िया लग रहा था. सो ये मुझे थोड़ा सा कॉस्टली पड़ा, आई थिंक 450 थाई भात का था ये. तो यस, गर्म भी है एंड आई विल बी वेयरिंग दिस सून. अब तक का सबसे महंगा अब तक का सबसे महंगा फ़ोन केस मैंने लिया है. पापा को नहीं पता है, अगर पापा ने वाली वीडियो देख ली तो पापा मुझे मार डालेंगे. ओके, सो ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था, बहुत टाइम से, और ये एट लास्ट मुझे मिल गया है. दैट इज़
रोड का काफ़ी गर्ल्स को पता लग गया होगा इसके अंदर कौन सा केस है। काफ़ी वायरल हुआ था ये एक साल पहले, लेकिन आज जाके मुझे ओरिजिनल चाहिए था तो आज जाके मुझे मिला है। रोड का मैंने लिया है, लेट मी शो यू। ओके, ये बहुत ही कॉस्टली था, वहाँ पे थोड़ा सा सस्ता मिल रहा था, इतना भी नहीं, बट ये अब तक का मेरा कॉस्टलीस्ट फ़ोन कवर है, क्योंकि ना से अंदर से बहुत ही वियर्ड है बट बाहर से बहुत ही क्यूट है। जब मैंने ये लिया मुझे था कि मैं रोड का ना लिप बाम जो होता है वो भी लूँगी, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई लेने की क्योंकि वो 3000 का था। 3000 का मेरे पास मैक का भी लिपस्टिक है, मैं वो डाल लूँगी, लेकिन मैं इसके बाद आई वॉज लाइक नीचे मैं प्राइस लिख दूँगी, मुँह से नहीं बोल रही मैं। तो ये मैंने लिया है, इसके अंदर ना लिप बाम आ जाता है, रुक जाओ मैं आपको अभी डाल के दिखाती हूँ इसमें। ओके सो लेट मी शो यू, लाइक ये आपके पास लिपस्टिक है आपकी, आपको इसमें ऐसे करके डाल देना है, दैट्स इट, ये गिरेगा नहीं, जो कि बहुत ही क्यूट है। कभी इन फ्यूचर आई विल टेक द रोड लिप बाम इन फ्यूचर, सो मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ फ़ोन में। मैंने अभी तक फ़ोन में लगा के नहीं देखा क्योंकि मैं इसके कॉस्ट से ही अभी तक उभर नहीं पाई हूँ। हाउ क्यूट, आई जस्ट लव दिस। जब भी मन करे आप इसमें से खोलो और लगा लो, सो हैंडी। ओके सो वी वेंट टू चाइना टाउन नाइट मार्केट, जो 11 बजे से रात के लगती है 5 बजे तक। हम लोग स्पेशली वहाँ पे गए थे, एक इंडियन रेस्टोरेंट था, हम लोग उनके पास गए थे चाइना टाउन में, कि हम लोग को इंडियन खाना खाना था, तो उन्होंने बोला कि आप रात अभी आए हो, हम लोग गए थे 5 बजे और 8 बजे हमने डिनर किया था, तो उन्होंने बोला कि आप अभी आए हो, इंडियंस लोग आते हैं रात को 11 बजे, आप 11 बजे आना, यहाँ पे आपको ए टू जेड बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी बहुत ही अच्छे प्राइस में। तो वहाँ से हमने कुछ कुछ चीज़ें ली हैं। सो फर्स्ट वन इज़ दिस बैग, जो कि मुझे 20 थाई बाट में मिल गया था। लेट मी शो यू वॉट इज़ दिस। मैं जब दिशांग को देती हूँ या मैं कहीं पे भी जाती हूँ ये लेके अपनी कॉफ़ी वॉफ़ी, तो व्हाट आई डू, ऐसे लेके जाना पड़ता है, तो ये इजी टू हैंडल नहीं होता, तो इसके लिए मैंने ये कवर लिया है। आप इसको इजीली इसमें डाल के और यूज़ कर सकते हो। लुक हाउ क्यूट दिस इज़ लुकिंग, इसका कवर है ये। इसमें ये मेरा टॉलेस्ट टम्बलर है, तो आप इमेजिन कर सकते हो इसमें सारे आ सकते हैं, आप इजीली इसको टांग के वॉक अराउंड कर सकते हो। और स्टैनले वाला भी है उसमें, इसमें भी आ जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा है वो आ जाएगा इजीली, तो यस। और इसको आई थिंक ऐसे करके खोल भी सकते हैं, ऐसे करके लगा भी सकते हैं, यस। वहाँ से एक कैब भी लिया मैंने, ये वाला कह के तो मैंने लिया था कि ये दिशांक का है, बट आई विल बी वियरिंग दिस क्योंकि बहुत ही क्यूट सा है। ये मुझे पड़ा था 80 थाई बाट का, दो पापा ने लिए थे 80-80 के और एक मैंने लिया था। ओके, वहाँ के जो लड़कियाँ थी ना उन्होंने बहुत प्यारे प्यारे टाइज लगा रखे थे, लाइक हेयर बैंड्स, क्लचर्स, स्पेशली क्लचर्स बहुत प्यारे प्यारे लगा रखे थे, तो मैंने सोचा मैं भी लेके आऊँगी। आई डोंट वेयर क्लचर्स, बट मुझे था कि आज से मैं स्टार्ट कर दूँगी लगाना, और मैंने ले लिया, उसके बाद से मैंने यूज़ नहीं किया। फर्स्ट वन इज दिस, बो की तरह बहुत ही प्यारा लगता है ये। ओके, और आजकल आप लोग को पता ही है ये काफ़ी वायरल है, ये तो इंडिया में मिल जाता है, तो मैंने एक वहाँ से ले लिया क्योंकि मेरे पास था नहीं है, दिस फ्लावर वन। ओके, जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना वो सारे 20 थाई बाट के हैं, एंड ऑल्सो दिस क्यूट सा क्लचर, ठंड आने वाली है तो इसको भी तो ठंड लगती है ना, तो इसके लिए भी फ़र है इसमें, दिस क्यूट सा क्लचर। बहुत ही प्यारे प्यारे ना अपने फ़ोन में टांगने के लिए ऐसे बोस थे, एक मैंने ये लिया है, और बोस क्या, बोस भी मिल रहे थे और की चेन्स भी थे बहुत ही प्यारे प्यारे 20 थाई बाट के, तो मैंने एक ये लिया है। बहुत सारे लिए हम लोग ने, यश ने भी लिया है,
मैंने अपने सारे घर के चेंज कर देने हैं, मुझे बस ये हॉल करना था। मैं सारे घर के चेंज कर दूंगी। एक ये है एंड दिस क्यूट, मैं ये अपनी स्कूटी में लगा लूंगी, बहुत ही क्यूट सा है। इसमें ये ऐसे बना हुआ है। ओके सो ये है। और एक मैंने अपने फोन पे भी लगाया है, दिस बहुत ही क्यूट सा लगता है। ओके सो ये है। और इसके लिए मैंने एक अलग से भी आई लव फोटोग्राफी एंड डूइंग व्लॉग एंड टेकिंग पिक्चर्स, तो मैंने एक अपने लिए ये वाला भी लिया है। ये फ़ोन में लग जाएगा ऐसे, ये मैं बाद में लगाऊंगी। ये कैमरा है, इसमें छोटू सा कैमरा। एंड यस दिस दिस, ये इसमें भी लाइट नहीं चल रही है, जैसे मैं इसको ऐसे करूँगी इसमें लाइट चल जाएगी। बहुत ही क्यूट सा है। तो एक ये लेके आई हूँ मैं फॉर दिशांक, मैं गाड़ी के में लगा दूंगी। एंड दिस इसका स्ट्रैप है। ओके एंड एक तो नहीं, मैं दो लाई हूँ आई थिंक। यस दीज क्यूट से फ्लावर्स। मुंह दिखाओ बच्चे, अपने मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ, मुंह दिखाओ। दीज, ये भी कीचेन टाइप ही है। किचन क्या है ना, बहुत रफली यूज़ होता है और टूट जाते हैं, तो मैं बहुत सारे ले आई। एंड आई ऑल्सो बॉट दिस, वहाँ पे ना चाइना टाउन में बहुत मिल रहे थे ऐसे। और एक ये ऐसे, इसमें बो बना हुआ है, ये स्क्रंची, इसमें भी बो है। दिस एंड एक मैं पाउच लाई हूँ, थाईलैंड लिखा है इसमें, जिसमें मैं कॉइन्स या अपनी ईयरिंग्स कुछ भी रख सकती हूँ। Everything was for 20 baht. I also bought this tiffin box for Dishank. इसमें मैं कुछ भी गर्म रखती नहीं हूँ, इसमें फ्रूट्स हो गए, चिप्स हो गए, कुछ ठंडा चीज़ हो गया वही देती हूँ। इसमें दो चम्मच है ऊपर, इसमें आप इजीली लगा सकते हो ऐसे। एंड इसको ऐसे उठाओगे तो ऐसे कंपार्टमेंट्स बना हुआ, इसमें आप रख सकते हो। सो ये मुझे 99 baht का मिला था, उनका होम सेंटर टाइप एक जगह था, वहाँ गए थे हम, वहाँ से लेके आई थी मैं। और इसी के लिए मैं एक पर्स बोल रही, टिफ़िन का जो बैग होता है वो लेके आई हूँ। आगे इसमें दो पाउचेज हैं रखने के लिए, एंड अंदर सेम एल्युमिनियम फॉइल है, और चम्मच रखने के लिए भी दिया इन्होंने दिस। और ये मुझे पड़ा था आई थिंक 200 थाई बात का, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है गाइस इसकी। ओके जब मैं बाहर जा रही थी एक महीने पहले, हम लोगों ने टिकट्स करा ली थी, तो मेरे को था कि मैं फ़ोन लेके आऊँगी। आई हैव 14 आईफोन 14 है मेरे पास, कभी कभी मेरे को लगता है मेरे पास 13 है, मुझे याद ही नहीं रहता। मेरे पास 14 आईफोन है, प्रो मैक्स नहीं है, उसमें ज़्यादा अच्छी वीडियोस बनती हैं। तो आई वाज लाइक कि मैं वो जाके थाईलैंड से ले लूँगी, क्योंकि थाईलैंड एंड वियतनाम में बहुत ही अच्छे प्राइजेस में आपको ऑफ मिल जाता है। ऑफ मतलब वहाँ पे आता ही थोड़ा सस्ते में है, तो आपको 20,000 तक का, मतलब जो इंडिया में रेट है वहाँ पे 20,000 माइनस करके मिलता है। तो मेरे को ये था, बट जाने से पहले दिशांक ने मुझे DJI पॉकेट 3 गिफ्ट कर दिया था। वो भी मेरा प्लान था कि मैं जाके ये जो अभी जैसे मैं कर रही हूँ शूट DJI से पॉकेट 3, वो मुझे जाके लेना था फ्रॉम थाईलैंड, क्योंकि वहाँ पे, यहाँ पे मिल रहा है मुझे 50,000 का और वहाँ पे मुझे मिलता है 45,000 का सेम। तो दिशांक ने बोला कि नहीं ये लेके जाओ ताकि तुम सारा अच्छे से कैप्चर कर सको, तो ये मुझे पहले ले लिया था। तो अब मेरे पास कोई था नहीं कि मैं वहाँ पर जाके क्या लूँगी, क्योंकि बहुत अच्छे प्राइजेस से मिलते हैं यार। अगर आप थाईलैंड जा रहे हो या वियतनाम, तो आप ज़रूर कुछ, अगर आप प्लान कर रहे हो तो उसको पोस्टपोन कर लो या प्रीपोन करके आप ले लो। तो एक चीज़ मैंने ले ली है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी एक्सपेंसिव, दिस इज़ एयरपॉड्स मैक्स, हाउ क्यूट। ओके लेट मी शो इट, मतलब बहुत ही बढ़िया, इसका सभी घेर दिया मैंने। ओके दिस, इसका केस ही कितना क्यूट है। आई मीन ये अभी तक मुझे कनेक्ट करना भी नहीं आया गाइस, मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी तक, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिला। सारा दिशांक जो है दिशांक ही यूज़ कर रहा है अभी, वही बताएगा कि हाउ आई टू यूज़ ऑल दीज। आई जस्ट लव दिस, इसका भी मुझे वेट रिफंड अच्छा खासा मिल गया था, क्योंकि दिस वॉज वेरी कॉस्टली। जो मेरा ड्रोन था वो 16,000 समथिंग का था, तो ठीक है। इसका भी मैंने यश
के नाम से वीआईटी फंड ले लिया था, उसमें मैंने लिया था ड्रोन में। तो यस, अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ लेना। मजा आ गया। आई थिंक ये भी निकल जाता है इसका। ओके, दिस इज मैग्नेटिक। ओके, मुझे तो पर्स पसंद ही है, और मुझे ये भी पसंद है कि जो मेरे अराउंड पीपल हैं वो लोग भी यूज़ करें, और पर्सेस तो स्पेशली। तो मैंने दिशांग के लिए, अपने देवर के लिए सेम कोच का लिया है। ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं थे गाइस, प्राइस मैं नीचे लिख दूँगी। तो मैंने दो उठाए हैं, दोनों का कलर अलग है। एक मैंने दिशांग के लिए लिया है और एक अपने देवर के लिए। सो दिस पर्स फ्रॉम कोच। सो यस, इसमें सेम ब्राउन कलर मैंने दूसरा लिया है, तो वो मैं भी आपको खोल के नहीं दिखा रही क्योंकि वो पैक्ड है, तो गिफ्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस वन, यस, डस्ट बैग भी है इसके साथ छोटू सा। सो यस, दिस दो लेके आई हूँ अभी, एक तो पैक्ड ही है, तो आई एम थिंकिंग कि ये बाद में खोल लूँगी मैं, बाद में देते हुए ज़्यादा अच्छा लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं 7-Eleven। 7-Eleven से मैंने इस बार कुछ कॉस्मेटिक्स भी लिए हैं, लाइक दीज। बहुत ही सुंदर है, पता है। एक में है रोज़ वाटर विटामिन टिंट है, और एक है जेली लिप। ये जेली लिप वाला आई थिंक मैंने यूज़ नहीं किया अभी तक। बहुत ही सुंदर है इसका टिंट ना। इसको लगा के ना ठंडा ठंडा सा लगता है, बहुत ही क्यूट क्यूट से हैं। 39 थाई बात के थे ये, तो मैंने ये दो लिए हैं। ओके, और मैंने क्या लिया था, बॉट दिस ब्लश फ्रॉम देयर। ये 99 थाई बात का था, इसका बहुत ही सुंदर वाला, लेट मी शो यू, मैं लगा के दिखा देती हूँ। बहुत ही इजी टू अप्लाई है, और इसका कलर भी मुझे बहुत ही प्यारा लगा। बहुत ही ईजीली स्मज हो जाता है, और बहुत ही अच्छा टेक्सचर है इसका। सो दिस, एंड मैं अपने ज्वेलरी दिखा देती हूँ। एक दो तो मम्मी मेरे साथ अपने साथ ले गई। सो फर्स्ट इज दिस, साइड से ये हाफ है, हाफ सी बोल सकते हो आप। ओके, एंड 20 थाई बात के थे ये दोनों। एंड नेक्स्ट इज दिस, एंड एक और मैंने लिया था, ये थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ा। आई डोंट लाइक टू इन्वेस्ट मच इन ज्वेलरीज क्योंकि मेरे से पहना नहीं जाता है, तो मैंने ये लिया है। ये आपने देखा होगा, आई थिंक ये शिनेल का डिज़ाइन है, किसका है, बट ये फ्लावर्स बने हुए इसमें, तो बहुत ही प्यारा लगता है पहन के, लाइक दिस। तो ये लिया था मैंने, आई थिंक 180 थाई भात का, इतना ही होगा। यस, दिस मॉइस्चराइज़र, मैं अवीनो का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ, या फिर काला का, काला करके, आई डोंट नो क्या प्रोनाउंस करते हैं इसको, काला करके। तो इसमें 1+1 था, तो एक मम्मी ले गए, एक मैंने रख लिया, दो दीदी के लिए था, तो वो मैंने उसको भिजवा दिया है। बहुत ही अच्छा है इसका, एक एक्स्ट्रा उसके लिए आता है ड्राई स्किन के लिए, मैंने सिर्फ ड्राई स्किन मॉइस्चराइज़र लिया है, एक एक्स्ट्रा भी आता है। बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है ये, तो ये हमेशा मेरे साइड में रहता है। एंड ओके, थाईलैंड के आपने काफ़ी क्लिप्स देखे होंगे जहाँ पे ये वाला बाम बहुत ही फेमस है, दिस बाम। तो ये हम लोग बहुत सारे लेके आए हैं, लाइक पापा ने 4 लिए हैं, मैंने 4 लिए हैं, दीदी के लिए लिया है, मम्मी ने लिया है, यश ने लिया है। बहुत ही अच्छा बाम है, हर्बल इन्हेलर है ये, आप इसको यूज़ करो, आपको खांसी जुकाम जो भी है सब चला जाएगा। बहुत ही अच्छा है ये, काफ़ी फेमस है। ओके, एंड अब दिखा देती हूँ खाने का क्या लेके आई हूँ मैं। काफ़ी सारे चिप्स लेके आई थी लेस के, वहाँ पे जो फ्लेवर्स होते हैं वो इंडिया में अवेलेबल नहीं होते, तो मैं ट्राई करती हूँ कि 4-5 ले आऊँ। 3-4 मैंने खा लिए हैं, और दो ये हैं, एक है सार क्रीम एंड अनियन, ये मिलता है आई नो, बट इसका जो टेस्ट है वो अलग ही है। एंड एक है चिकन वाला, चिकन फ्लेवर
लेस ये लेके आई हूँ मैं, और दो कॉफ़ीज़ लेके आई हूँ। इस बार मुझे ज़्यादा टाइम मिला नहीं कॉफ़ी चूज़ करने का, तो मैं सिंपल ये वाली ब्लेंड वाली कॉफ़ी लेके आई हूँ, दो रेड कप ग्लासिक। ये इनकी कॉफ़ी का टेस्ट यार थोड़ा सा अलग होता है, जो इंडिया में नेस्कैफे आती है उससे थोड़ा अलग होता है, आई डोंट नो व्हाई। एंड मैं ये ब्रेड्स लेके आई हूँ, ये मिल जाता है मजनू के टीले पे, बट ये वाला फ्लेवर नहीं मिलता, दैट इज़ कॉर्न का फ्लेवर दिस। एंड मैं कुछ मैगीज़ भी लेके आई थी, अगर आप लोग वहाँ पे जा रहे हो ना तो आप ये वाला फ्लेवर ज़रूर लेना, दैट इज़ हॉट चिली चिकन, अगर आप चिकन खाते हो तो बहुत ही टेस्टी है। अच्छा, इनका चिली ज़्यादा चिली होता नहीं है, ठीक ठाक होता है, तो आप ये वाला ले सकते हो फ्रॉम 7-Eleven। एंड यस, एक मैं चश्मा भी लेके आई थी वहाँ से दिशांग के लिए फ्रॉम फुकेट, दिस वॉज फॉर ओनली 100 Thai baht, बहुत अच्छी क्वालिटी है इसकी एंड सुंदर लगता है, तो मैंने एक ये लिया है। यश ने भी सेम लिया था, ये यश के दिशांग के लिए है। एंड एक मैंने ये लिया है वहाँ पे, कोकोनट एज यू ऑल नो बहुत ही फेमस है, तो मैंने ये लिया है, कोकोनट के चिप्स हैं, अभी ट्राई करेंगे। एंड ऑल्सो आई बॉट समथिंग, मेरे दिमाग से निकल जा रहा है कुछ। एंड ऑल्सो आई बॉट दीज गॉगल्स अपने लिए फ्रॉम फुकेट मार्केट, दिस लुक्स स्मार्ट, सो मैंने ये ले लिया, ये भी 100 Thai baht का ही था, सो आई बॉट दिस। सो यस, दैट्स ऑल फॉर फुल मेरा जो भी शॉपिंग किया मैंने, और मैंने कुछ ड्यूटी फ्री से भी लिया था, दैट इज़ फॉर दिशांग, एंड वो अभी नहीं दिखाएंगे। सो यस, और मैं देख लूँ कि मैंने क्या लिया है जो मैंने लगा दिया और है नहीं। ओके, सो यही सब था जो मैंने लिया है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन गाइज आप लोग को चाहिए इंस्टा, और अगर अच्छा रहेगा कि अगर आप इसी में कमेंट करके मुझसे पूछो तो मैं आपको जवाब इजीली दे सकूंगी। सो यस, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। फॉर मोर सच कंटेंट डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम। बाय बाय।